सावधानी हटी दोस्तों, घटना घटी। तो ऐसे में दोस्तों हम ग्लव्स का प्रयोग करेंगे ताकि दोस्तों खतरा ऐसे ही होता है। तो इस सांप को हम निकालेंगे बाहर, वे वही छड़ी मारी थोड़ा। और यह एक ऐसा सांप है दोस्तों, ये जो इंडियन कॉमन क्रैट के नाम से दोस्तों यह सांप जाना जाता है। और यह सांप दोस्तों काफ़ी बिग साइज का है। अब आप इस सांप को देख सकते हैं, और एक सांप दोस्तों ये है, और जैसा कि आप इसे देख रहे हैं ये इंडियन वुल्फ स्नेक के नाम से दोस्तों यह सांप जाना जाता है। और ये काफ़ी फुर्तीला सांप होता है दोस्तों, ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। अब आप ये देख सकते हैं ये काटता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन जहरीला नहीं होता। अब इसमें आप कंपेयर करिए कि अब सांप जहरीला कौन सा है। ये बाइट भी बहुत तेज़ी से करता है लेकिन इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं है। ये अक्सर घर के ऊपर दीवार की दरारों में दोस्तों यह सांप पाया जाता है। तो ये हर घर में दोस्तों लगभग यह सांप मिलता है, और ये एक इंडियन वुल्फ स्नेक के नाम से दोस्तों यह सांप जाना जाता है। अब भूल होती कहाँ पे है, अब जैसा कि देख लीजिए इसके ऊपर वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है और इसके भी ऊपर वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, लेकिन यह हल्का सा रेड कलर में है और ये ब्लैक कलर में है। तो इसमें अब आप ये कंपेयर करिए कि जहरीला कौन सा है। ये वुल्फ स्नेक है, भूल यहीं पर होती है। अब ये लगा कि ये वुल्फ स्नेक है और वो लगा जहर कामन कर रहे थे, तो इसी में भूल होती। तो ऐसे ऐसे सांपों के बाइट करने के बाद दोस्तों आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। ये जो सांप है दोस्तों ये काफी बिग साइज का है, और यह सांप दोस्तों अक्सर हर घर के आसपास दोस्तों भोजन की फिराक में और बारिश में दोस्तों बचने की फिराक में अक्सर हर घर में पाया जाता है ये भी सांप। तो हमारे जौनपुर ज़िले में दोस्तों यही दो सांप ऐसे हैं कि जो एक जहरीला है और एक बगैर जहरीला है। तो इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो ब्लैक कलर का है, और यह दोस्तों छोटे छोटे छिपकली को खाता है वुल्फ स्नेक। ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता जो हमारे हाथों में बार बार बाइट कर रहा है। तो इसमें ग्लव्स लगाएं दोस्तों। ये जो इंडियन कॉमन क्रैट है दोस्तों यह एक जहरीला सांप है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। तो इसके काटने के बाद आपको सीधा 35 से 40 मिनट का हमें समय मिलता है। तो इतने में करना क्या है आपको, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल ही जाना है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं उस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए। ऐसे सांपों के काटने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि दोस्तों यह एक फुर्तीला सांप है, ये बाइट करने हर वक्त दोस्तों फिराक में रहता है। तो जब भी दोस्तों ये दबता है और इसके साथ दोस्तों कोई छेड़छाड़ होता है तो ये बाइट करता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये जानकारी है दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो इंडियन स्नेक के नाम से दोस्तों यह सांप जाना जाता है, और इसी जंगल में हम रिलीज करते हैं इसे, और इस इंडियन कॉमन क्रैट को भी दोस्तों तो ये जो जानकारियाँ हैं दोस्तों आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग भ्रमित ना हो, और इस सांप से भी दोस्तों और सांपों को भी बचाना है दोस्तों और परिवार को भी बचाना है। तो उसके साथ दोस्तों इसी के साथ आप वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो के साथ अब इसी जंगल में दोस्तों इस सांप को भी हम रिलीज करते हैं, ये भी दोस्तों अपने पर्यावरण में सेफ रहेगा। अब इंसानों को दोस्तों ये जंगल में रहना काफ़ी पसंद करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इसे हम रिलीज कर दिए हैं और ये अपने पर्यावरण दोस्तों सुरक्षित जा चुका है।